माननीय सुशील चौहान जी, हमारे साथ डिप्टी लीडर आफ्ताब अहमद साहब, वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे उपेंद्र भारद्वाज जी, हमारे वरिष्ठ साथी अशोक अरोड़ा जी, विधायक चौधरी मेवा सिंह जी और साथ ही विधायक आए हैं काला जी तथा सम्मानित उपस्थित सभी साथियों, आज आज जिन भी साथियों सभी साथियों ने जो आज कांग्रेस में अपना शामिल हुए हैं, अपना विश्वास व्यक्त किया है, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। बहुत वरिष्ठ साथी आज आए हैं, जैसे सोनिया जी भी हैं और भी कोई चेयरमैन है, कोई आपका पार्षद है, इस लेवल के सभी साथी हैं, बहुत सारे सरपंच आए हैं, सभी साथियों का सबका अपना अपना प्रमुख स्थान समाज में सब आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं, मैं उनका सब स्वागत करता हूँ। और एक संकेत है ये, इस प्रकार से हर जगह जहाँ भी जाते हैं, कल वहाँ पलवल में था उसी तरह शामिल हुए, एक संकेत है कि लोगों ने छत्रपति शिवाजी ने मन बना लिया है कि आने वाली जो है सरकार हरियाणा में कांग्रेस की बनानी है। तो आज मैं इनका सभी साथियों का स्वागत करता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं उनको पार्टी में उचित मान सम्मान और स्थान मिलेगा। फिर से बहुत बहुत सबका स्वागत, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी उपेंद्र सभी साथी जलपान जो की जाए, कोई भी साथी जलपान करे बगैर ना जाए। सर कितनी संख्या हो गई है, लिस्ट आप बताया करते हैं दोनों साहब जी, आप भी 38-40 के करीब थी जो विधायकों की, अब जो स्ट्रेंथ है कांग्रेस की जो पिछले 1.5 साल की है, वो संख्या कितनी पहुंची है बाहर जाने वालों? 42 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और 3 सिटिंग MLA का समर्थन, एक JJP से MLA है रामकरण काला जी, उनका समर्थन डॉक्टर साहब खड़े हैं, तो वो सारे पूरा पार्टी के साथ जुड़े हैं और सभी पार्टियों से वरिष्ठ नेता आ रहे हैं। बहुत जबरदस्त लोगों में उत्साह है, आप देखोगे कि जिस दिन भी हम दिल्ली में होंगे आपको इसी तरह की जॉइनिंग आपको नजर आएगी। एक सवाल सर किसानों को लेकर है, जो पिछली घोषणाएं हुई, रिएक्शन आपका उस तरह से मिल नहीं पाया, अभी सरकार ने थानेसर में जो अपनी चुनावी रैली की, किसानों को तमाम बड़े गिफ्ट दिए उनके कर्जे माफी को लेकर, और कोई कर्जा माफी नहीं किया, 10 साल हो गए जो कर्जा माफ हमने किया था, किसानों बिजली के बिल हमने माफ किए थे, इनने कोई माफ नहीं किया। जो MSP है वो भी हरियाणा में किसानों को नहीं मिल रही, अब ये कह रहे हैं हम सारी फसलों पर MSP दें, मुख्यमंत्री कहेंगे, क्योंकि क्या भाई, या तो लीगल गारंटी दें जो MSP से कम करे उसकी सजा हो, फिर तो माने देंगे लीगल गारंटी, सिर्फ चुनाव को देखकर लोगों की आंखों में धूल झोंकना है। किसान समझ चुके हैं, ये जो पहले 3 कानून लाए थे किसान विरोधी, किसानों के विरोध के बाद इनको वापस देना पड़ा, किसान समझ चुके हैं ये सरकार किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी किसी की नहीं है। 30-35 दिन का जो समय बचता है चुनाव आचार संहिता लगने से पहले, इस तरह की जो घोषणाएं होती है कितनी इंप्लीमेंट? कोई नहीं, सब समझते हैं ये घोषणा ही घोषणा है। अरे जो मैं देख रहा हूँ ना, हमारा हरियाणा है और वो क्या है, नॉन स्टॉप हरियाणा, उसमें आज का ही देख लो, कल का देख लो, क्या दिखा रखा है कि हमने IIT एक्सटेंशन फलानी चीज, सब ये फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये सब दिखा रखे हैं, क्या वो किसके समय के हैं? एक भी संस्थान ये अपनी समाज के बता दे, झूठी घोषणाएं, और लोग इस पर विश्वास नहीं करते, इस सरकार से विश्वास लोगों का उड़ चुका है।